mind you, baby. मेरी चाय तो ये है नाइट टी जो कि बना ली गई है और ना राजा जो है उनकी मैंने बना दी है। डिग्गू मिस्टर उठने लगे हैं, ये जब तक उठते हैं इससे पहले हल्ला मचाए हम फटाफट चाय पी लेते हैं। थोड़ा बहुत डेकोरेशन कर दिया है मैंने जितना हो सका, यहाँ लाइट कम है तो इतने अच्छे से खिल गया नहीं आ रहा है डेकोरेशन। जैसे हम लोग पिछले लास्ट टाइम अपना गए थे, कहाँ गए थे शानी? हाँ कटनी गए थे, वहाँ के होटल में मैंने बहुत अच्छे से बैलून डेकोरेशन किया था, बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि वहाँ पे लाइट बहुत अच्छी थी। और यहाँ पे ऐसी वॉल है क्योंकि थीम ऐसी दी हुई है कॉटेज वाली, ऐसी वॉल है तो इसमें खिल के नहीं आ रहा डेकोरेशन। तो दिखाता हूँ मैं, ये लिखा है 3 मंथ डुग्गू बेबी। तो हमारा डुग्गू हो गया है 3 मंथ का, तो उसकी सेलिब्रेशन के लिए हम लोग आए हैं और ये गिर गया है जी। बड़ी मुश्किल से स्टिक हो रहा है इसमें ग्लू, इस बार मैं बहुत अच्छा ग्लू लाया हूँ। यहाँ पे देखिए रील्स बनाई जा रही हैं। ये कंघी कर लेता हूँ। तैयार यार होना है कुछ या ऐसे काटना है? चलो ठीक है। तो ये रहा डुग्गू बेबी का केक। तो मोटू पतलू बने हुए हैं इसमें और समोसे बने हुए हैं, उनके को बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं वो भी बने हुए। आ गई डुग्गू बेबी, तो आ गई हमारे। हाय। तो आज हम लोग ना अपने नाइट सूट्स में, लेकिन लोअर में, मैं ये ट्रैक सूट में, डुग्गू भी एक तरह से ट्रैक सूट टाइप का ही, उसमें केक काटेंगे। आए हाय, मेरी बत्ती हो गई है अब 3 महीने 2 दिन की। 3 महीने 2 दिन की। हाँ मम्मा, मैं हो जाऊँ, भला हो जाऊँ, मैं तो दालों पलाई करने। मैंने ठीक लिया है ABCZ और इसके आप बीच के सारे वो अभी ठीक है नहीं है। चलो केक काटेंगे। केक कटेगा तो सब में बटेगा। आई एम श्योर पापा। फॉर व्हाट? केक कटेगा सब में बटेगा, मैं भी हूँ। मैं बोल रही हूँ इसके कारण केक खा खा के मोटे होने वाले हैं। ये पहले भैया मेरी बेबी का शुगर, ये एकदम हल्का सा क्योंकि ठंड हो रही है। ये एक अब हम आगे कुछ यादें रखेंगे ताकि वो डुगू को हमेशा याद रहे कि हमने इसके बर्थडे कहाँ कहाँ जाके बनाए हैं। मेरे को तो केक मिल ही नहीं ला, मैं बोला ही अब थे तोला, मैं बिना केक के अब थे तो मेरे को कब मिलेगा ये बताओ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है संडे और सुबह के बज रहे हैं 9:30। इट्स टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। हमेशा हम लोग लेट हो जाते हैं सुबह उठने में, कहीं भी जाते हैं तो हम लोग का ब्रेकफास्ट छूट जाता है, लेकिन आज हमने सोचा नहीं ब्रेकफास्ट करना है। नहा के तैयार हो गए, मैं नहीं नहाए अभी। बिल्कुल नहाना बहुत जरूरी है क्योंकि आंखें, कितने बजे सोए हम? 5 बजे सोए हैं और 9 बजे उठ गए। आंखों में नींद भरी पड़ी है। मैं तो 5 बजे सो गया था, शिवानी 6-7 बजे सोई, 2 घंटे सोई मेरे ख्याल से, बस 1.5-2 घंटे और 6-7 बजे तक जगा रहा, खेलता रहा, चिल्लाता रहा। चले पसीना नहीं, चलते मेरे को लोअर बनाना है। पानी नहीं आएगा, लोअर बनाना है तो बना दो आप जल्दी से लोअर। गुड मॉर्निंग। अभी थोगे ऑल भैया, इतना सुनसान क्यों, इतनी शांति क्यों है? ऐसा लगा कर्फ्यू लगा हुआ है। पता है क्या कारण? मैं बता रहा हूँ, आधे से ज्यादा लोग सफारी पे गए हैं क्योंकि वो आएंगे 11:30 बजे तब हड़कम बजाएंगे दोपहर के लंच में। हाँ कि कितने लोग हैं इस रिसोर्ट में इस समय।
जाने हम कहाँ जाने डुगू डुगू कहाँ जाने खाना खाने बाल 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 निकाल ले दे ढुपू ढुपू लग रही अरे झूले झूले ढुपू ढुपू लग रही दूर तो ढुपू ढुपू लग रही है वो बहुत तेज है अक्टूबर का आधे दिन निकल गए लेकिन ठंड का कोई अता पता नहीं है क्या रात को जंगल वाला एरिया तो ठंड तो रहेगी ना कौन सी जगह है याद आ गई हाँ ये वाला कर दो ऑन उसको बंद कर दो या वहाँ बैठना है वहाँ बैठ सकते हो टोस्ट है टोस्ट है सर आलू पराठे दही है सर दही ओनियन है बनाना है बनाना और ये है जूस ब्रेकफास्ट हो गया है हम लोगों का मस्त पेल के पोहा पराठा यमी यमी पोहा पराठा दही के साथ खाया गया है और आज ही बड़े आराम से सोता रहा कल हम लोग को लंच करने नहीं दिया डुगू ने रो रो के बुरा हाल कर दिया लेकिन आज अभी तक सो ही रहा है जो गए थे तो भी सो रहा था आए हैं तो भी सो रहा है नहीं किया होता फीड बताता फिर आज भी नहीं सोने खाने देता क्यों उसके बाद से जो हमारा बच्चा है वो सो ही नहीं रहा है तो खैर मैं अब उसको चेंज करा रही हूँ और ये जो है ये कपड़े तो मैं ना थोड़ा सा ड्राई क्लीन करूंगी क्योंकि नहलाऊंगी नहीं अब ठंड हो रही है पालतू में बीमार हो जाएगा ये तो अभी ये थोड़ा सा देख रहे हैं देखा नहीं वॉशरूम चेक कर रहे हैं क्या करूँगी हाँ तो मैं इसे चेंज करके इसे सुलाऊंगी और जब तक ये सोएगा थोड़ी नींद मारेगा तब तक मैं जाके नहा के तैयार हो जाऊंगी कूल हो ली ए Lions roaring in the morning sun searching for a longer day Feeling like the light has just come We must never stop the way yeah. Birds jumping and I hear my name Grasping into a life Life is happy but it's so insane We must merely make a start Savannah ले तैयार हो गया मैं तो मैं न्यू न्यू डैड मैं नए नए कपड़े तो देख लो चल तो डुगू की सवारी चली है घूमने रिक्शा डुगू किस में लेटा है डुगू किस में लेटी है ये कितना ज्यादा अजीब है ना ये हाँ ये क्या है ये क्यों है ये खुल जाएगा हाँ वॉल क्रू होगा ना नहीं एक मिनट रुको ऊपर ले जाओ उसको चल ये यहाँ लगे ना इसलिए होगा ये चली
अभी हम घूमने के नहीं चले, डुगू को तो भूख लग ले। चलो इसके लिए एकदम नया, अभी से ना ये इतना ज्यादा पसंद नहीं है। नया नया एक्सपीरियंस है। नया एक्सपीरियंस। चलो तो लंच का समय हो गया है, 2:20 हो रहा है, 3 बजे तक का लंच का समय। तो लंच का समय खत्म, उसके पहले लंच निपटा दिया जाए। हाँ, लंच पर ना हम भूखे रह जाएंगे। नहीं तो हम भूखे रह जाएंगे, है ना? है ना डोगी, भूखी भूखी ले जाएगी डोगी तो। मैं तो अपना खाना खा के आया हूँ, डुडू पी के आया हूँ। धुप धुप लग रही है, और नहीं जाएगा। तो चढ़ाई आ गई, सब राजा चढ़ा रहे थे, ये चढ़ाई आ गई थी यहाँ पे। तो मैं सोच रही पहले मेकअप खराब हो, इससे पहले क्योंकि खाना खाते तो लिपस्टिक खराब हो जाती है। तुम फोटो खींच के जाए, चलिए कुछ फोटो खींचते हैं, फिर झूले झूले झूलेंगे, पहले खाना खाएंगे। सो गया है तो स्ट्रोलर को मैंने स्लीपिंग पोजीशन पे कर दिया है, तो अभी आराम से सो रहा है। और यहाँ मैंने ढक के रखा है कि धूप ना लगे, फिर भी थोड़ी बहुत धूप पास हो रही है, पर अभी सो गया है तो टेंशन की बात नहीं है। तो हम पहुँच गए हैं इस झूले के पास, राजा भी रिसेप्शन गए, मैंने कुछ काम है, तब तक मैं और डुगू यहाँ पर रहेंगे। तो मैं इसको यहाँ पर लगा रही हूँ। आपको पता है जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो मैं और राजा अकेले आए थे, इस बार हम तीनों यहाँ पर आए हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा और अलग एक्सपीरियंस है। ये ज़्यादा परेशान नहीं करता, पर आजकल रात में ना ये सोता ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया। खेलता रहता है, रोता भी नहीं है पर सोता भी नहीं है, मतलब कोई लात मुक्के घूसे सब पड़ते हैं मुझे रात में, ऐसे ज़ोर ज़ोर से मारते हैं ये। तो राजा का वेट कर रही हूँ यार, पता नहीं कब तक आते हैं। ये आ रहे हैं मचलते हुए राजा। मैं ये देखना चाहती हूँ इनने हमें देखा है या नहीं देखा है, इनने हमें देख लिया है। अच्छा अभी देखा, सो गई है। अरे इसकी फोटो खींचनी है, इसको घूमो। देखो झूला ऐसे घुमा रही है, मतलब माँ बेटे बताएंगे। पिताजी भी नहीं है? पिताजी नहीं आएंगे? पिताजी बिजी हैं। पिताजी कहाँ बिजी हैं? मैं पिताजी अपने दोस्तों में फ्री में अपने काम अपने में, मन से दोस्तों में। दोस्तों तो महीनों सालों हो गए दोस्तों से नहीं मिला, अपने मन से दोस्तों में बिजी है। फालतू की बात है, बड़ा पाव खाते। देखो मेरा झूला ना ऐसे नहीं घूम रहा है, ऐसे नहीं, ऐसे मैं ऐसे घुमा रही हूँ कि इसको ना लगे भैया। डुगू के पैर, डुगू को ऊपर करना पड़ेगा, डुगू नीचे से रख गया है पैर। देखो उसे कहाँ गए, कहाँ आराम फरमाया जा रहा है। रिसोर्ट के फुल मजे तो आप ही ले रहे हो, आपका लड़का अपना सो के। मैं अजगर, अजगर की तरह पड़ी है, कुछ ज्यादा ही खा लिया गया है। अजगर का बेटा सो रहा है, अजगर की तरह, अजगर रानी पड़ी है झूले पे। बहुत सारा खा लेते तो बोला जाता है अजगर की तरह खा के पड़े। तो अजगर रानी झूले पे पड़ी है और अजगर राजा वीडियो शूट कर रहा है। अजगर तुम भी अजगर हो? तो ये देखो, तुम तो वो है ना पानी का सांप, पानी का सांप। तो अब हम लोग रिसोर्ट घूम रहे हैं और खाना पचा रहे हैं। और ये जो है ना, ये कॉटेजेस है यहाँ के, जैसे हमारा कॉटेज वैसे यहाँ पे ये वाला कॉटेज दूसरा नंबर। क्या वो उसकी अभी जो है नींद, जो उसकी जो अभी की नींद रहती है ना, वो बहुत ज्यादा पक्की रहती है। इस टाइम उसे आप कुछ भी करो नहीं उठेगा। ठीक है, ठीक है। हाँ उठा दो, ठीक है, ठीक नहीं है। तो अभी हम लोग पूल साइड जा रहे हैं यहाँ के, और पूल अभी मतलब पब्लिकली पूल यूज करना इज नॉट सेफ। हमने अभी पिछली वेकेशन में पूल यूज किया था, बट वो प्राइवेट पूल था, लाइक रूम के साथ वाला पूल। कोई नहा तो नहीं रहा वहाँ पे? आलू ले लो, बटाटा ले लो, आलू है इसके अंदर, कांदा ले लो। सब्जी इसके अंदर आलू है? आलू 2 रुपए का नहीं, कौन सा ना तो... आज दिन भर में बिका है कोई आलू ना बिका है कांदा। हाँ ये कहाँ था पूल? अरे वहाँ लिखा है ये आलू ना बहुत बेशकीमती है। हम ये मेरा आलू है, तुम्हारा आलू मेरा क्यूट आलू है। मैं घूम निकल रहा हूँ छोटे छोटे
उसे पता ही नहीं है वो कहाँ घूम मेरी जान। अरे पानी गंदा, अच्छा साफ है, दूर से ना गंदा दिख रहा था। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी वेकेशन थी ये, तो ना यहाँ पे हम लोग अभी मैंने जैसे कि बताया यूज़ नहीं करेंगे ये पूल। और जो हमारा डिग्गू है वो सो रहा है, राजा को मैंने भेजा है पानी लेने, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। इसमें ढक दिया है क्योंकि यहाँ पेड़ पौधे बहुत है ना, तो कीड़े वीड़े जो है कोई काट वाट ना ले इसे, इसलिए मैं इसे ढक चुकी हूँ। और ये बहुत ही प्यारे प्यारे से फेस बना रहा है, और ये अभी लोने वाला है। और इसको एक बार मेरे को ऐसे थपकी मारनी पड़ती है जब ये ज़्यादा आवाज़ निकालने लगता है रोने की, तो ये नींद में बच्चे बहुत फेसेस बनाते हैं। उठो पापा, उठो पापा, बाबू छोड़ा, ये बच्चा छोड़ा। इसको परचेस करना भी एक बहुत अच्छा डिसीजन था हमारा, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गया है चलना फिरना। क्योंकि अगर आप ऐसे रिसॉर्ट में इंजॉय करने आ रहे हो विद बच्चा, तो आपको बहुत ज़रूरत है कि कोई आपको ऐसी चीज़ मिले जिससे आप बच्चे को आराम से, वो भी कंफर्टेबल रहेगा आप भी रहोगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही अनकंफर्टेबल होते हो, आपकी गोदी में कई बार आप अनकंफर्टेबल हो रहे हो तो बच्चे कई बार अलग ढंग से हैंडल हो रहे हैं, तो उनकी बॉडी भी जैसे नींद आ रही है तो वो स्ट्रेटली सो नहीं पाता। तो इट्स लाइक बेस्ट थिंग कि वो आराम से यहाँ पे सो रहा है भी। तो यार पानी आ जाए, मुझे बहुत प्यास लग रही है। तो अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ पर ना पसीना आने लगा, अभी तक पसीना नहीं आ रहा था, ये पानी और सन का कॉम्बिनेशन से स्वेटिंग शुरू हो गई थी। तो इसको जो है हम जा रहे थोड़े से एक्सप्लोर करते हैं। अरे वो तो नहीं आएगी क्या? वो क्या बोल रहे? वो तो नहीं आएगी, वो कौन? जैका रात को आएगी, जैका का टाइम रात का। अबे मैं तो रूम आ गया। हैं? सामने बैक पूल व्यू में हमारा है, पूल दिखता ही है। क्या कर रहे हैं? हाय गर्मी। तो वापस आ गए हैं हम लोग रूम, और एक आध घंटे बाद निकलेंगे। अभी फीड कराना, डुग्गू उड़ गया है, डुग्गू को फीड कराना था इसलिए वापस आना पड़ गया। तो मैं एक आध घंटा रेस्ट कर लें, डुग्गू को फीड करा लें, फिर निकलते हैं, नहीं क्योंकि यहाँ पे भी जल्दी अपना अंधेरा हो जाएगा मेरे को लगता है 6 बजे तक। जंगल में मंगल हो, जंगल में मंगल हो, लड्डू कटेगा और सब कटेगा, लड्डू कटेगा, केक कटेगा भाई। सब में डगी मैं उतने लगा हूं, उतने लगा था वहां पे, तो हम लोग को लगा भलाई इसी में है कि हम रूम में चले। नहीं नहीं पूरी हो रही है मेरी भलाई, हालत आ रहा है मम्मा यहाँ पे, मैं यहीं पे लाऊंगा आई थोड़े दिन तक। मेरे को और मेरी मम्मा को छोड़ दो, फिर मेरे पापा को भी छोड़ दो, वहाँ हमें इच्छा लेना चाहती है। हाँ उनसे कहो किलाए पे दे दे, डेली का लेंस नहीं किलाए पे। चलिए अब मैं ऐसे फिट कराती हूँ, उठने तो ये देख, ये इसे देखो टशन से देखो इसे ना बो। तो मैं ना तो मैं बहुत देर के लिए, मैं बहुत देर के लिए सो गई थी, मुझे नशा आ रहा है पता नहीं ऐसा कि पूछी मशा, ये थकान है बहुत दिन की जो निकल रही है। तो हम लोगों को ना जाना था घूमने, उसके बाद मतलब आने के बाद पीठ कराने के बाद मैं पीठ कराते कराते सो गई। और इसको मैंने अभी चेंज कराया है अली बेटा, तो अभी इसे फिर से पीठ कराना है। मैं अभी उठी हूँ और मैंने चाय मंगवाई एक सेकंड।